स्टूडेंट्स, आई एम अनिता दत्ता फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट यूनिक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग ऑफ बी फिफ्थ सेम कंप्यूटर साइंस। आज हम यूनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूनिक्स के ऊपर, तो आज हम पहले जानेंगे कि यूनिक्स क्या होता है, वो कैसे काम करता है। एंड ये हमारा यूनिट वन है, इंट्रोडक्शन टू यूनिट्स, जिसके के बारे में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो यूनिट वन में सबसे पहले हम उसके आर्किटेक्चर के बारे में, फीचर्स, यूनिक्स के जो हम कमांड्स यूज करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके हम टॉपिक्स कवर करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिक्स क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिक्स। इन 1991 लिनक्स टोबाल्ट्स, अ स्टूडेंट ऑफ हेलसिंकी यूनिवर्सिटी, डेवलप एंड इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस वॉज इनिशियल वर्जन ऑफ कर्नल यूज फॉर द डेवलपमेंट फॉर द यूनिक्स ओएस। मीन्स 1991 में एक स्टूडेंट था लिनक्स टोलब्लेट्स, जिसने कि क्या किया था, एक इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था। इसका जो कर्नल था, जो इसका वर्जन, जो इनिशियल वर्जन था कर्नल का, उसको हम यूज करते थे किसके लिए, डेवलपमेंट फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम इसका कर्नल यूज किया। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, विथ सम मॉडिफिकेशन एंड इनिशियल वर्जन ऑफ यूनिक्स 0.1 वॉज रिलीज इन मिड सेप्टेम्बर एंड वॉज पुट ऑन द नेट। This was the beginning of the evolution of Unix OS. Means क्या हुआ कि हमने जब ये 1991 में इसने एक initial operating system बनाया, उसके बाद हमने उस पर कुछ modification किया, उसके बाद उसका एक initial version जो है वो आया Unix 0.1, और वो release हुआ mid of September में, और उसे net में डाल दिया गया। तो यहां से क्या होता है, हमारा जो Unix operating system है, ये यहां से इसकी beginning होती है, शुरुआत होती है। अब हम यदि architecture की बात करें, the architecture of Unix operating system which consists of three main software components, means जो Unix का operating system है उसके तीन मेन जो है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है, और वो जो थ्री मेन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है उसके बारे में यदि हम डिस्कस करें, तो जो इसके थ्री मेन जो कंपोनेंट्स है, एक है हार्डवेयर, एक है शेल एंड थर्ड वन इज यूजर। मींस हमारा जो हार्डवेयर है, या फिर हम उसे या फिर हम कर्नल को ले सकते हैं, कर्नल, शेल एंड यूजर, ये हमारे थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। और यदि हम डायग्राम की बेसिकली हम डिस्कस करें, तो यदि हम आर्किटेक्चर देखें, तो एक कर्नल है। कर्नल में क्या होता है कि ये एक सीपीयू टाइप का वर्क करता है, जिसमें कि सारी चीजें मैनेज होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। ये सारी चीजें मैनेज किस में हो रही है, कर्नल में। ओके, और ये सारी चीजें स्टोर कहाँ पे होती है, हार्डवेयर में। उसके बाद मान लीजिए सिस्टम कॉल्स हो रहे हैं, सिस्टम से सेल और एप्लीकेशंस आ रहे हैं। उसके बाद जो है यूजर्स जो है वो यूजर सेल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, सिस्टम कॉल्स कर रहे हैं। सिस्टम कॉल्स में वो जो भी चीज मैनेजमेंट हो रहा है, जब जो भी प्रोसेस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, कर्नल और हार्डवेयर में वो चीजें जा रही है। देन यदि हम बात करें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले जो उसकी हिस्ट्री की हम बात करेंगे, तो जो इसका हिस्ट्री था वो था 1965 में एक कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट था JE, MIT एंड AT&T से, जिन्होंने एक गोल बनाया था, जिसमें कि क्रिएट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट जनरल पर्पस मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग सिस्टम वेयर। मीन्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए उन्होंने गोल बनाया, जो कि एक जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मल्टी यूजर हो, उसमें टाइम शेयरिंग भी कर पाए हम। ये सारी चीजों के लिए उन्होंने एक गोल बनाया, उसका नेम दिया मल्टिक्स सी, मल्टिक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। ओके,
In 1969, features by slow process, AT&T pulled out of the project. उसके बाद क्या हुआ कि 1969 में इन्होंने फ्रस्ट्रेट हो गए सो प्रोसेस से और AT&T ने क्या किया उस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए, पीछे हो गए। उसके बाद 1970 में वापस क्या हुआ कि थॉमसन एंड डेनिस रिची ने फिर से रीरोड किया यूनिक्स को फॉर अ न्यू PDP 11। ठीक है, तो न्यू PDP 11 के लिए उन्होंने क्या किया, फिर से यूनिक्स को रीरोड किया, किन्होंने, थॉमसन और डेनिस रिची ने मिलके। उसके बाद मोर टूल्स वेयर एडिट सच एज शेल एडिटर असेंबलर यूटिलिटीज लाइक RM, CAT एंड CP। मीन्स उसके बाद क्या किया, उसमें कुछ टूल्स एडिट किए गए जैसे कि शेल एडिटर। हम शेल के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे सेल के क्लास में। तो सेल एडिटर या असेंबलर वहां पे ऐड किया गया है। यूटिलिटीज लाइक RM, CAT एंड CP, ये सारी चीजें वहां पे यूटिलिटीज को ऐड किया गया। ये सारी जो है ये कमांड्स है। RM मीन्स रिमूव कमांड्स है, CAT कमांड है, कॉपी कमांड है, ये सारे कमांड्स है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यदि हम बात करें तो इन 1972 थॉमसन रोड बी अ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या हुआ, पहले इन्होंने 1965 में कुछ यूटिलिटीज लिखी जो कि सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद 1970 में इन्होंने एक PDP 11 करके बनाया। उसके बाद 1972 में थॉमसन ने एक बी करके लैंग्वेज रोड किया जो कि एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। ही गॉट इन इन्वॉल्विंग PDP 7 बिकॉज फॉल्टन वुड नॉट वर्क फॉर हिम। फॉल्टन वर्क नहीं किया तो उन्होंने PDP 7 के थ्रू उन्होंने काम किया। और वो क्या करना चाह रहे थे, यूनिक्स को रीराइट करना चाह रहे थे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यूनिक्स को वो रोड करना चाह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, 1972 में रिची ने PDP 11 में यूज किया PDP 11 को एंड एड्स टाइप्स टू बी। मीन्स बी में उन्होंने और टाइप्स किया और PDP 11 को यूज किया। इनिशियली इट वॉज कॉल्ड NB, न्यू बी। मीन्स जो बी उन्होंने 1972 में थॉमसन ने राइट किया था उसे यहाँ पे फिर से उसके ऊपर रीराइट किया गया और उसे हमने न्यू बी करके, इनिशियली उसे हम न्यू बी कहके कॉल किए। देन ही री रोड द कंपाइलर, उन्होंने फिर से कंपाइलर रोड किया। तो एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे कि हम कहते हैं, वो बॉर्न हुआ। सी लैंग्वेज वॉज डिजाइन टू बी सिंपल एंड पोर्टेबल। सी लैंग्वेज जो था वो बहुत ही सिंपल और पोर्टेबल था। देन यदि हम आगे बात करें, री राइटिंग यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स के ऊपर अभी भी काम चल रहा था, भले कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न्यू बन रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि यूनिक्स के ऊपर जब काम चल रहा था तो 1972 में थॉमसन ने सी का यूज करके फिर से रीराइट किया यूनिक्स को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर कोड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज सच एज अलाउड टू बी पोर्टेबल। मीन्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कि हाई लेवल लैंग्वेज सी के जैसे लिखा जा रहा था और वो क्या हो, पोर्टेबल भी हो। देन द स्प्रेड ऑफ यूनिक्स, स्प्रेड ऑफ यूनिक्स कैसे हुआ, 1974 में रिची एंड थॉमसन ने एक साथ पब्लिश किया एक पेपर जिसमें कि यूनिक्स के बारे में लिखा हुआ था, वो पेपर उन्होंने पब्लिश किया। मैनी यूनिवर्सिटीज वेयर इंटरेस्टेड, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो थे वहां पे इंटरेस्टेड थे किस चीज के लिए, जो यूनिक्स का जो पेपर पब्लिश हुआ था उस चीज पे बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। मैनी यूनिवर्सिटीज इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे एट, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है इस चीज पे इंटरेस्ट ले रहे थे। उसके बाद यदि हम बात करें एट AT&T लाइसेंस यूनिक्स फॉर अ मॉडेस्ट फ्री, मीन्स AT&T ने क्या किया, यूनिक्स को जो है एक फी मॉडेस्ट किया, लाइसेंस किया यूनिक्स को। उसके बाद रिलीज वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एज सोर्स कोड, मीन्स जो उसका जो रिलीज
जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए सोर्स कोड में। बाय 1977 मोर देन 500 सिटीज वेयर रनिंग यूनिक्स। उसके बाद क्या हुआ, जब 1997 तक के यूनिक्स स्प्रेड हुआ तो ये इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया कि 500 साइट्स में जो था वो यूनिक्स रन हो रहा था। 125 यूनिवर्सिटीज जो थी इस यूनिक्स को यूज कर रही थी। देन बीएसडी जो थे एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ब्रेस्कली बिगेन मेकिंग सिग्निफिकेंट एनहेंसमेंट टू द सोर्स कोड। उसके बाद क्या हुआ कि एक यूनिवर्सिटी थी कैलिफोर्निया की जहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने क्या किया, वो जो सोर्स कोड था उसमें उन्होंने एनहेंसमेंट करना स्टार्ट किया। इन 1978 द रिलीज ऑफ 30 कॉपीज ऑफ देयर 30 कॉपीज ऑफ देयर ब्रेकले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट बीएसडी। मींस क्या हुआ कि 1978 में 30 कॉपीज जो है वहां पे रिलीज हुए और वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें कि क्या था, इजी टू स्विच बिटवीन प्रोग्राम, लार्जर फाइल नेम्स, इजी टू कनेक्ट यूनिक्स मशीन टू लैन वर्जन्स, फ्लेवर्स ऑफ यूनिक्स, ये सारी चीजों के बारे में उस कॉपी में स्पेसिफाई था। देन अभी हमने जाना कि कैसे हमारा जो यूनिक्स है वो काम, कैसे हमारा यूनिक्स का इवोल्यूशन हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी। अब हम देखते हैं कि उसके क्या क्या वर्जन्स थे। तो यदि हम बात करें कि अंडर द एग्रीमेंट विथ AT&T ऑर्गेनाइजेशन कुड रिलीज माइनर अपडेट्स, मींस AT&T कंपनी ने कुछ रिलीज किए थे माइनर अपडेट के साथ में। Then DFC and Sun adopt the Brackley Unix. Brackley Unix को DFC and Sun ने adopt किया। उसके बाद Data General, IBM, HP and Silicon Graphics were among those who developed the AT&T standards system V. उसके बाद कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे कि IBM, HP, ये सारी लोगों ने adopt किया AT&T को, जो कि standard system थे। इन 1980 माइक्रोसॉफ्ट डेवलप, 1980 में माइक्रोसॉफ्ट डेवलप हुआ और इन अर्लियर 1905 लिनक्स एंड सोलारिस वेयर क्रिएटेड। यूनिक्स के पहले लिनक्स आया था 1905 में और सोलारिस जो है वो क्रिएट हुआ था। तो ये हमारा क्या था कि हम कैसे यूनिक्स हमारा, ठीक है, तो हमने इसके इवोल्यूशन में क्या जाना कि यूनिक्स हमारा क्या, कैसे हम उसकी हिस्ट्री है वो कैसे डेवलप हुआ। और यदि हम बात करें तो यूनिक्स जो है वो मल्टी टास्किंग है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे कि 1970 तक के उसे बार बार उस चीज के ऊपर में रिसर्च करके बेल लैब्स, थॉमसन, डेनिस रिची, ये सारों ने AT&T, ये सारों ने मिलके जो है यूनिक्स को डिराइव किया, रिसर्च किया और जो यूनिक्स को उन्होंने क्या किया, डेवलप किया। तो यदि हम बात करें सिंपली कि यूनिक्स क्या है, तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फर्स्ट, एकदम यदि हम फर्स्ट की बात करें तो 1960 में डेवलप हुआ था, जो कि एक कांस्टेंट डेवलपमेंट होते रहा उसके बाद में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मीन है, सूट ऑफ प्रोग्राम है जिसके कि थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर वर्क करता है। इट इज स्टेबल मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग सिस्टम फॉर सर्वर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स। ये सर्वर में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, सब में स्टेबल है और वर्क करता है। यूनिक्स सिस्टम ऑल्सो हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विच प्रोवाइड एन ईजी टू यूज इन्वायरमेंट। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट यूनिक्स के थ्रू क्या हमारा इजी जो है वो इजी टू यूज इन्वायरमेंट वो बना देता है। हाउएवर जो हमारा नॉलेज है यूनिक्स इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन विच आर एंड कवर्ड बाय ग्राफिकल प्रोग्राम और विथ दी नो विंडोज इंटरफेस अवेलेबल। ओके, तो ये क्या है, हमारा इजी टू यूज है। यूनिक्स के जो नॉलेज डिस्कवर रहते हैं, ऑपरेशंस उसमें रिक्वायर्ड रहते हैं। यदि हम यूनिक्स की बात करें तो इसके डिफरेंट वर्जन्स है, यूनिक्स के टाइप्स जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स है यूनिक्स के, जिसमें कि पॉपुलर जो है, पॉपुलर वैराइटीज ऑफ यूनिक्स आर सन, सोलारिस, GNU, लाइनेक्स एंड मैक OS।
तो ये कुछ हमारे डिस्कस है। और इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 3 पार्ट से बने हुए हैं, कर्नल, शेल एंड प्रोग्राम, जिसके के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो हमने आज देखा कि हमारा जो यूनिक्स है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कैसे वर्क करता है, वो क्या है, उसकी हिस्ट्री कैसे वो आई, ये सारी चीजों के बारे में आज हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट में हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, कर्नल क्या होता है, सेल क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।